हेलो बदस, कैसे हैं आप सभी? आप लोग सोच रहे होंगे सडनली बीच से मैच क्यों स्टार्ट किया, तो सीन ये हो गया मेरे भाई, जैसे हम लोगों ने लैंड किया, लैंड करने के बाद तुरंत ही 28 बंदे रह गए। तो एक एक करके देख रहे होगे आप, मेरे टीममेट्स मुझे बुला रहे हैं, मेडी वगैरह पकड़ा रहे हैं, टोकन दे रहे हैं सब मिलकर, तो सीन ही गंदा था। तो उसके बाद मैं सीधा जाके पीछे बैठ गया। सीन ये था भाई, एक महान शख्स आ चुके थे हमारे गेम में, जो भाई 2 मिनट के अंदर लॉबी खाली कर रहे थे। मतलब फर्स्ट सेकंड जोन है और बंदे देखो 24 23, मतलब हेड पे हेड दिए जा रहा है। हमारे टीममेट्स लगे हैं मेडी कलेक्ट करने में, टोकन्स कलेक्ट करने में, कि जितना भी मेडी टोकन हो रहा है वो उधर से लूट लाट कर कर आके हमारे पास पहुंचा रहे हैं भाई, जिससे कि हम लास्ट तक जिंदा रहें, रैंक बचाएं। एपी गेमर देख रहे हो, हेडशॉट एक एक मैच में दो भाई दो हैकर भाई, और इतने गंदे भाई देख रहे हो टीममेट्स लेके आ रहे हैं, सब मेडी एडी यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, ज़्यादा गन्स एमो नहीं है, बस बैठे वेट कर रहे हैं ये लोग आए। हम तो जोन सर्वाइव करने के लिए बैठ गए भाई, और वैसे भी मैं कैरेक्टर स्किल्स वगैरह लगा के रखता हूँ, टोकन्स हमारे पास सफिशियंट है, मैं इनको रिवाइव अच्छे से मार सकता 2 4 बार। उसके बाद वो 11 टोकन और दे के चला गया। मैंने सोचा मैंने एमओ का तो कोई नीड है नहीं, तो एमओ मैंने ड्रॉप कर रहा था और मेडी भर रहा था अपने अंदर। आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल में मेरे पास 18 मेडी हैं भाई, 18 मेडी, मतलब लास्ट जोन तक तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। दूसरा बंदा आप देख रहे हो मैप में, देखो तो गाड़ी से आ रहा है, वो भी मतलब लूट करके, अपने अपने बंदे लूट करके आ रहे हैं, मुझे मेडी एडी पकड़ा रहे हैं जिससे कि मैं लास्ट तक रुकूँ। ये भी देखो आ गया एसआर के, और आने के बाद उसने भी थोड़ा बहुत लूट हमको दिया, 2 3 मेडी पकड़ाया। मैंने कहा एमओ का तो कोई नीड है नहीं, हटा दिया फिर मैंने एमओ, एक टोकन दे दिया, इनहेलर दे दिया। मैंने कहा फालतू की चीज़ें हम हटा देते हैं और अपना सर्वाइविंग क्या करना है भाई, इतना गंदे गंदा सीन चल रहा है मेरा। सीरियसली बताऊँ तो मेरा कोई किल डैमेज भी नहीं है, देख लो 0 किल है, कोई डैमेज नहीं है किसी बंदे को, नहीं। अब बंदे जो बोलते हैं ना ड्रम डैमेज नहीं, ये वो तो लास्ट के आप देख सकते हो 14 बंदे बचे थे, हम चार मतलब टॉप 10 10 बंदे बचे हुए थे। तो इसके बाद मैं यहाँ से निकले, देख रहे बंदे हेड पे हेड मार रहे, 2 बंदे मतलब हैकर थे। जैसे मैं इधर पीछे बैठा हुआ था तब तक बंदे ने बोला कि वो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे लिख के भी आएगा। जैसे ही वो एलिमिनेट हुआ हैकर, ये देखो एपी गेमर एलिमिनेटेड, जैसे ही एलिमिनेट हुआ फिर मैं उसमें मुझे हरी झंडी मिली, मैंने अब बाहर आता हूँ, 4 बंदे हमें, 4 सामने वाले हैं। आराम से बाहर आया, मैंने कहा अब भाई मुझे करना पड़ेगा किल, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे पास अभी भी 16 मेडी है। मैं चाहता तो अभी तो आप समझ सकते हो मैं नेक्स्ट जोन दो जोन तक और रुक जाता, लास्ट जोन तक। तो उसके बाद मैंने भाई को बोला, मैंने कहा अरे काम कर, मुझे मेडी एडी तो तू रख ले, लेकिन मुझे कुछ एमओ वगैरह दे जिससे मैं एक दो बंदा मार पाऊँ, किल निकाल पाऊँ। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, टोटल बंदे अलाइव हैं 6, जिसमें 4 हम हैं, तो सामने 2 बंदे। अब वो हैकर तो मर चुका था, अब जो सामने 2 बंदे बचे हैं लेकिन किल निकालने भाई किसी के किल भी नहीं हुए हैं। अब देखना भाई कैसे किल निकालते हैं हम लोग, सब लोग एक एक किल निकालेंगे और देखना सीन क्या होता है मेरे भाई। जैसे ही मैं यहाँ से नीचे गया ना, तो इन लोगों ने बंदा स्पॉट कर लिया था, ये लोग बोले पीछे से की तरफ से जाओ उधर एक बंदा है। मैंने कहा ओके, और शायद तुमको पता होगा मेरे पास 35 टोकन थे भाई, सबने मिल के एक एक करके सारे टोकन जितने भी मिले ना इन लोगों को, सारे के सारे टोकन मुझे पकड़ा दिए। और नीचे देखो ये बंदा मुझे यहाँ दिख गया था, इसको मैंने पहले लपेट दिया, अकेला बंदा था। अभी एक बंदा बचा है और किल मेरा एक है और सबका एक एक किल है, लेकिन जब मैं उधर से आ रहा था तो मैंने इनसे ड्रम डैमेज ले लिया था जिससे कि मेरा रैंक थोड़ा प्लस हो जाए, 30 टोकन्स थे। तो सामने बंदा दिखा तो मैंने बोला उससे, भाई उसको मारो मत, उससे टीम अप करो। अब भाई देखो मैंने सोचा टीम अप करो जिससे कि मैं उसके सर में चाकू मारूंगा, चाकू मारूंगा तो मुझे डैमेज मिलेगा, 700 का डैमेज वो, 200 का वो, 900 और 100 200 और मार दूंगा तो मैंने 1000 का डैमेज वो हो जाएगा, थोड़ा बहुत ले चुका हूँ। तो मैंने उसको बोला टीम अप करो, और ये बंदा मान गया भाई। जैसे ही ये बंदा माना ना, तो मैंने कहा इसको टोकन दो, और टोकन दे के इसको बोलो कि अपने टीममेट्स को रिवाइव करे जिससे कि सबको एक एक किल मिल जाए। तो इसको बार बार टोकन दे रहे थे लेकिन भाई अखंड बंदा था, उठा ही नहीं रहा था। लास्ट में जाके मैंने देखा कि टोकन मेरे पास ही आ गया, फिर मैंने इसको ड्रॉप किया, नहीं उठा पाया वो। मैंने कुछ भी करो, इसको कैसे भी टोकन पकड़ाओ जिससे कि ये अपने टीममेट्स को रिवाइव करे और हम लोग मिलके एक एक करके सब लोग किल निकाल लें, इसके टीममेट्स को मार लें, इसलिए इससे टीम अप किए थे। भाई बंदा थोड़ा समझदार था, ये रिवाइव करने के लिए अंदर गया था, हम लोग पीछे पीछे इसके सब सब वेट कर रहे थे। तो भाई इतने गदर था ना, इतना तेज चिल्ला रहे थे ना हम लोग, इसको मैंने टोकन, जिसने जैसे इसने एक बंदे को रिवाइव किया, इसके पास पहले से 4 टोकन थे, इसने एक बंदे को रिवाइव किया, फिर मैंने टोकन दिया इसको, इसने टोकन उठाए, और देखना 5 बंदे हम लोग, मैं चाकू लेके खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ, जैसे 8 बंदे हों, 6 7 8, मैंने बक चाकू दिया, मैंने कहा ये डैमेज हमको मिला। और भाई लोग तो मौका ही नहीं दे रहे, अब तुम देखना कैसे टूट पड़ते हैं ऊपर, मुझे दिखे ही नहीं बंदे, मैं ऊपर देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, मैंने कहा कहीं तो बंदे दिख जाए यार, ये लोग टाइम ही नहीं दे रहे, इतनी गंदी तरीके से पड़े थे। मैंने कहा भाई मेरा तो हो चुका था भाई किल डैमेज कंप्लीट, मैं ऊपर की तरफ देख रहा, ये लोग आसपास बेचारा वो नीचे ही नहीं उतरने, यही समझ लो।
शायद एक बंदा नीचे आ गया तो बाकी वो देखो पीछे जो पीछे बंदा आया वो बंदा नीचे आ गया तो बाकी मैंने तो देख भी नहीं पाया कहाँ तक ये लोग हवा हवा में ही मार दिए लोगों ने बंदे। फाइनली कैसे भी करके पहला मैच था जहाँ पे हैकर आया और हम लोगों का बुइया हो गया था सही तरीके से। बाकी मैच तो तुम लोग देखे गंदे वाले गए थे। कुल मिला के इसमें सही पूरा मतलब कंप्लीट प्लस हो गया था, डैमेज भी था किल भी हो गए थे भाई। कैसे कैसे गेम निकला। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अभी तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच।